2092 में हम देखते हैं कि अर्थ में पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से अर्थ इनहैबिटेबल हो चुका है। यूटीएस नाम की कंपनी ऑर्बिट से बाहर अर्थ जैसा ही क्लोन बना चुकी है, जिसमें कई सारे ह्यूमंस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ह्यूमंस अब भी अर्थ में ही है और वहाँ हवा काफी बुरी हो चुकी है और वहाँ रहने वाले ह्यूमंस गरीबी भी फेस कर रहे हैं। इसके बाद हम यूटीएस कंपनी के मालिक सुलिवन को देखते हैं, जो कि कुछ रिपोर्टर्स को बता रहा है कि कैसे वो आर्टिफिशियल पेड़ पौधे बना सकता है। लेकिन तभी एक रिपोर्टर उसके काम में कमी निकालते हुए कहता है कि उसे अर्थ को रिस्टोर करना चाहिए और साथ में डिब्री के बारे में भी कहता है, जो कि स्पेस में बुलेट की स्पीड से भी तेज उड़ते हैं और इन्हीं को स्पेस स्वीपर्स अपनी जान जोखिम में डालकर साफ करते हैं, जिसके उनको काफी कम पैसे मिलते हैं। सुलिवन कहता है कि उसका प्लान परफेक्ट है और कहता है कि वो उससे इस बारे में प्राइवेट में बात करेगा। हम अर्थ में टे हो नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। वो अथॉरिटीज को कुछ राइस देता है और उसे एक नई डेड बॉडी देखने के लिए अलाउ किया जाता है। टे हो देखता है कि ये भी उसकी बेटी नहीं है। अगले दिन एक डेब्री क्रैश होती है और कई सारे स्पेस स्वीपर्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं, ताकि वो उसे बेचकर पैसा कमा सके। लेकिन तभी विक्ट्री नाम की शिप वहां पर आती है, जिसके ऊपर एंड्रॉइड बब खड़ा होकर कुछ फेंक कर उसे पकड़ लेता है और सारे स्वीपर्स उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ टाइगर शिप को हैंडल करता है, ताकि उनकी शिप तेज चल सके। जैसे ही बाकी शिप्स डिब्री को पकड़ने वाली होती है, कैप्टन जेंग विक्ट्री के हाथ से उन सबको दूर कर देती है और पायलट टे हो सोलर पैनल्स के अंदर से शिप को निकालता है, जिससे उनका शिप रेजिडेंशियल एरिया से टकराने वाला होता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है और सिर्फ एक एंटेना टूट जाता है। इसके बाद वो लोग फैक्ट्री जाते हैं, जहां टे हो सारा सामान बेचता है, लेकिन उसे काफी कम पैसे मिलते हैं और एंटेना तोड़ने की वजह से वो सभी लोग कर्जे में है। टाई हो उस आदमी से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी उसे चाकू दिखाकर पीछे कर देता है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि डॉर्थी नाम की एक एंड्रॉइड को यूटीएस से ब्लैक फॉक्सेस नाम की गैंग ने किडनैप कर लिया है। ये लड़की देखने में क्यूट है, लेकिन अगर किसी को मिले तो वो सीधा अथॉरिटीज को इस बारे में बताए, क्योंकि डॉर्थी एक वेपन है। टे हो इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद टे हो के क्रू अपने कर्जे के बारे में डिस्कस करता है और उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। उनके ग्रुप में सिर्फ बब ही है, जो अपने लिए सिंथेटिक बॉडी लेने के लिए पैसे सेव कर रहा है। इसके बाद वो सभी उस डिब्री के पास जाते हैं जिसे वो लेकर आए थे, जो कि काफी टूटी हुई शिप थी। अचानक उसमें से लाइट आने लगती है और जब वो उसका गेट ओपन करते हैं तो उन्हें उसके अंदर डॉर्थी मिलती है। वो उसे अपने शिप में ले आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वो एक वेपन है, तो वो उसके छींकने से भी डरते हैं। टे हो तो उसे बांधने की कोशिश भी करता है, लेकिन डर कर वहां से भाग जाता है। वो उसका बैग देखता है तो उसे उसमें एक फोन मिलता है, जिसमें डॉक्टर कैंग के नाम से काफी सारी मिस कॉल आई हुई थी और उसके ही नाम से एक फाइल भी थी। इसके बाद पूरा क्रू डॉर्थी को अकेला छोड़कर पुअर सिटीजंस वाले सैटेलाइट में जाता है, जब हम देखते हैं कि डॉर्थी अपने पावर से एक कटे हुए पौधे को जिंदा करती है। इसके बाद क्रू डिस्कस करता है कि डॉर्थी का क्या करना चाहिए। तब टाइगर कहता है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन टाए हो कहता है कि उन्हें कैंग को कॉल करके काफी पैसे मांगने चाहिए। वो आवाज बदलकर कैंग से $2 मिलियन मांगते हैं, जिसके लिए कैंग मान जाता है और वो लोग एक जगह डिसाइड करते हैं। जैसे ही क्रू मास्क पहनकर रेडी होता है, तभी अलार्म बजता है और उन्हें पता चलता है कि एक पुलिस वाला अंदर आ रहा है। वो जल्दी से डॉर्थी को छुपा देते हैं और पुलिस के अंदर आते ही नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करते हैं। पुलिस वाला डॉर्थी को ढूंढने की कोशिश करता है और सभी उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉर्थी पुलिस वाले को नहीं मिलती, वो किसी तरह उसे बाहर भेज देते हैं। इसके बाद पूरा क्रू कैंग से मिलने के लिए एक क्लब में जाता है। टाइगर डॉर्थी को अपने बैग में लिए घूमता है। अचानक कैंग टे हो को पीछे से पकड़ लेता है और चेक करता है कि उसके पास कोई हथियार तो नहीं है, और हम साथ में देखते हैं कि कई सारे रोबोट्स उन सभी लोगों पर नजर रखे हुए होते हैं। इसके बाद टाइगर कैंग को डॉर्थी को देने के लिए जैसे ही बैग खोलता है, वो देखता है कि वो उसमें नहीं है। डॉर्थी बैग से निकलकर लोगों के बीच चली जाती है। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ती है, उन सबके डिवाइसेस में डॉर्थी की न्यूज आती है। सभी रोबोट्स उस पर शूट करते हैं, लेकिन टे हो टाइम पर उसे साइड कर देता है। इसके बाद सारे रोबोट्स उन पर शूट करने लगते हैं और सभी लोगों में अफरा तफरी होने लगती है, जिसमें कैंग डॉर्थी के पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भीड़ में वो अलग हो जाते हैं।
सारे रोबोट्स डॉर्थी और टेय हो को लगातार शूट करते हैं, लेकिन डॉर्थी अपने पावर से एक शील्ड बना लेती है और वो सभी लोग विक्ट्री में वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जेंग उन सबको डांटती है और डॉर्थी का फोन तोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही रोबोट्स ने उन्हें ट्रैक किया। वो कैंग का नंबर अपने दूसरे फोन में सेव कर लेती है ताकि वो बाद में उससे कॉन्टेक्ट कर सके। दूसरी तरफ सलीवन अपनी टीम से नैनोबॉट्स के बारे में डिस्कस करता है, जो कि मार्स पर प्लांट्स और ओशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो साथ ही डॉर्थी के गॉगल्स को भी देखता रहता है और अपनी टीम को डांटता है। उसके चेहरे की नसें खींचने लगती हैं और उसे दर्द होने लगता है। वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें एविडेंस ढूंढने होंगे कि अर्थ पर जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बब्स डॉर्थी का मेकअप कर रहा होता है, तब उसे डॉर्थी का सीक्रेट पता चलता है, लेकिन डॉर्थी टॉपिक चेंज करते हुए टाय हो के बारे में पूछती है। बब्स उसे बताता है कि टाय हो एक सोल्जर था और उसे वायलेंस के अलावा कुछ नहीं पता था। एक दिन एक मिशन में उसे एक औरत मरी हुई मिलती है जिसके हाथ में एक छोटी बच्ची थी। वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और उसे पता चलता है कि उनके अटैक की वजह से ही वो बाहरी हो गई है। इसके बाद से उसमें कभी किसी को मारने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इसी वजह से उसे निकाल दिया गया। एक दिन जब वो बार में बैठा हुआ था तो उसकी बेटी अकेली कहीं चली गई और तभी उनके सैटेलाइट से एक डेब्री टकरा गया जिसमें कई लोग सैटेलाइट से बाहर चले गए। अथॉरिटीज से उसकी सर्च करवाने में काफी पैसे लगेंगे, इसलिए तब से टे हो आज तक उस लड़की को ढूंढने के लिए पैसे जमा कर रहा है और इसलिए उसने स्पेस स्वीपर्स की जॉब करना भी शुरू किया। तभी कोर्ट से एक आदमी वहां पर आता है। वो उनकी शिप को सील करते हुए कहता है कि ये अब बैंक की प्रॉपर्टी है क्योंकि उन्होंने अपना कर्जा अभी तक नहीं भरा। तभी टे हो का फोन बजने लगता है और कॉन्ग उन्हें दूसरी जगह मिलने को कहता है। टाइगर कहता है कि उन्हें अब डॉर्थी को उन लोगों को नहीं बेचना चाहिए क्योंकि उसे डर है कि वो लोग पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन टे हो कहता है कि उन्हें अपने शिप को वापस लेने के लिए पैसे चाहिए और साथ ही उसे अपनी बेटी को भी ढूंढना है। कुछ देर बाद डॉर्थी टॉयलेट जाती है और उसके पीछे पीछे एक आदमी भी जाता है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। टाइगर उस आदमी का पीछा करता है लेकिन वो काफी आगे चला जाता है। अचानक टे हो उस आदमी से डॉर्थी को छीन लेता है और उस आदमी को मारता है, लेकिन तभी वहां पर उसके जैसे और कई लोग आ जाते हैं और टाइगर आकर उन्हें मारता है। जब वो उस आदमी का मास्क निकालते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि ये आदमी वही है जिसे वो लोग डिबरी बेचते हैं। दूसरी तरफ हम सलीवन को देखते हैं जो रिपोर्टर को एक्सप्लेन करता है कि मार्स पर लोगों को उनके इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उनके डीएनए के हिसाब से भेजा जा रहा है। रिपोर्टर कहता है कि उसकी वजह से अर्थ में काफी लोग मर रहे हैं और उससे उनकी कोई परवाह नहीं है। तभी वहां पर कुछ रोबोट्स ब्लैक फॉक्स के मेंबर को पकड़ कर लाते हैं। सलीवन रिपोर्टर को उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं करता तो सलीवन उसे मार देता है। इधर जैंग और बाकी सब इन किडनैपर्स को कन्फ्रंट करते हैं। जब डॉर्थी टॉयलेट जाती है तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि डॉर्थी भी एक ह्यूमन है। एक लाइट का यूज करके उन सभी पर टैटूज दिखते हैं जिसका मतलब है कि वो सभी भी ब्लैक फॉक्स के मेंबर हैं। उन्हें बताया जाता है कि ब्लैक फॉक्स कोई टेररिस्ट नहीं है। वो आदमी कहता है कि डॉर्थी एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, उसको ठीक करने के लिए उसके फादर कांग ने उसके अंदर नानो बॉट्स डाले। डॉर्थी की बीमारी सही हो गई, लेकिन साथ साथ उसके अंदर प्लांट्स और ट्रीज उगाने की पावर भी आ गई। इसका मतलब है कि वो अर्थ को हील कर सकती है और उन्हें सलीवन के मास प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सलीवन को इस बारे में पता चला तो उसने डॉर्थी को मारने के लिए भेजा। सारे साइंटिस्ट मारे गए, लेकिन डॉर्थी को मारा नहीं जा सकता क्योंकि एक नैनोबॉट को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज करना पड़ेगा। ऐसा बॉम्ब उन्हें फैक्ट्री के एंटी ग्रेविटी सिस्टम में मिल सकता है, इसलिए उसका प्लान है कि वो डॉर्थी को उसके अंदर बंद करके उसे अर्थ में क्रैश करे, जिससे डॉर्थी भी खत्म हो जाए और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ भी खत्म हो जाए। तभी बाहर लोगों के मरने की आवाजें आती है। रोबोट्स सभी ह्यूमंस को मारने लगते हैं। ब्लैक फॉक्स पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और जैंग और पूरा क्रू कर्मचारी है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। टे हो डॉर्थी को छुपकर एक जगह से ले जाता है, लेकिन तभी डॉर्थी छींक देती है और रोबोट्स उन्हें शूट करते हैं। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जैंग विक्ट्री को स्टार्ट करती है और टे हो ब्रिज से भागता हुआ शिप में चढ़ जाता है। उनका शिप वहां से निकल जाता है, लेकिन एक मिसाइल उनके काफी क्लोज फटती है जिससे वो लोग नैनोबॉट्स के अंदर पहुंच जाते हैं। नैनोबॉट्स पूरे शिप पर चिपक जाती है, लेकिन डॉर्थी अपनी पावर से उन्हें हटा देती है और वो लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। डॉर्थी बेहोश हो जाती है
और टाइगर देखता है हार्ट बीट नहीं कर रहा। वो उसे सीपीआर देता है लेकिन कुछ नहीं होता। तभी डॉर्थी फार्ट करती है और उठ जाती है। इसके बाद सलिवन जैंग और उसके क्रू की फाइल देखता है। उसे पता चलता है कि जैंग रीबल्स का पार्ट थी जिसने सलिवन को पहले भी मारने की कोशिश की थी और उसने ही एक खतरनाक हथियार बनाया था। टाइगर अर्थ में एक खतरनाक गुंडा था और उसे डेथ सेंटेंस भी मिला हुआ है। टेहो तो पहले सोल्जर्स का पार्ट था ही। इसके बाद टेहो को कैंग का मैसेज आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वो लोग कैंग और बाकी सबसे मिलते हैं तो जैंग देखती है कि वहाँ काफी सारे एक्सप्लोसिव्स लगे हैं जिनके एक्टिवेट होते ही सारे मशीन्स बंद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रोबोट्स आकर कैंग और सारे ब्लैक फॉक्सेस को मार देते हैं। जैंग का क्रू उनसे लड़ भी नहीं पाता। सुलिवन जैंग और उनके साथियों को छोड़ देता है और उन्हें पैसे भी देता है। वो अपने लोगों को डॉर्थी को फैक्ट्री में ले जाने को कहता है। उनके जाने के बाद टाइगर और बाकी सब पैसे लेने से मना कर देते हैं और डॉर्थी को बचाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन टेहो पैसे लेकर अपनी बेटी को ढूंढने का डिसाइड करता है। वो अथॉरिटीज के पास जाता है जहां उसे अपनी बेटी की पुरानी चीजें मिलती है जिसमें उसे एक लेटर भी मिलता है। वो रोने लगता है और वापस अपने ग्रुप के पास जाता है। डॉर्थी को हाइड्रोजन बॉम्ब में बांध दिया जाता है। टेहो शिप उड़ाता है और उसके पीछे आने वाले सारे एनिमीज को जैंग मारती है। बब्स भी उसकी हेल्प करता है। वो लोग जल्दी से फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें डॉर्थी मिलती है। जैंग देखती है कि बॉम्ब फैक्ट्री के अंदर ही है। उन्हें उसे हैक करना होगा और डॉर्थी को उससे काफी दूर ले जाना होगा जिससे उसके नैनोबॉट्स बचे रहे। तभी वहां पर एक रोबोट आ जाता है जो टेहो और जैंग को आसानी से मार देता है। बब्स भी उसके सामने टिक नहीं पाता लेकिन टाइगर उससे काफी देर तक लड़ता है और आखिर में अपने कुल्हाड़ी से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं और बाकी स्वीपर से कम्युनिकेट करके उन्हें सुलिवन का प्लान बताते हैं। उनके पीछे कई सारे रोबोट्स आते हैं। जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं वहां ढेर सारी स्वीपर्स उनकी हेल्प करने को खड़े थे। वो सभी रोबोट्स को मारते हैं जिससे टेहो और उसका क्रू इजिली डॉर्थी को सेफ दूर लेकर जा रहे थे। उन्हें फैक्ट्री से बहुत दूर जाना था। तभी सलिवन की असलियत जो कि बब्स ने रिकॉर्ड की थी न्यूज पर चलाई जाती है जिससे सभी लोगों को उसके असली चेहरे का पता चल जाता है। सलिवन गुस्से में उन्हें मारने के लिए अपनी शिप में निकलता है। पहले तो वो उसे शूट करते हैं लेकिन तभी जंग एक भारी टावर के नीचे दब जाती है और बब्स के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। सलिवन एक रोबोटिक हाथ से शिप तोड़ देता है और देखकर हैरान होता है। अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब था। इसका मतलब है कि टेहो ने डॉर्थी को फैक्ट्री में ही बाकी स्वीपर्स के पास छोड़ दिया था और हाइड्रोजन बॉम्ब अपने साथ ले आए, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सारे स्वीपर्स देख रहे थे। लेकिन डॉर्थी अपनी पावर्स से नैनोबॉट्स की हेल्प से विक्ट्री का बड़ा हिस्सा बचा लेती है जिसमें क्रू अब भी जिंदा था। इसके बाद यूटीएस सब चीजों के लिए सॉरी कहती है और अर्थ का रेस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैंग और उसके क्रू को उनके इस काम के लिए सारा कर्जा माफ कर दिया जाता है और उन्हें इनाम भी मिलता है जिससे बब्स अपनी नई बॉडी ले लेती है। डॉरोथी को सर्च सेंटर ले जाया जाता है जहां वो टेहो की बेटी का डीएनए ढूंढती है और उसकी बेटी का प्रोजेक्शन दिखता है जिससे टेहो मिलता है और फाइनल गुड बाय बोलता है। इसके बाद वो सभी डॉर्थी को अडॉप्ट कर लेते हैं और हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।